आप बताइए कितने साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरह की प्रोग्राम हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ता है? महाविद्यालय में छठा कार्यक्रम है और ये हमारे पैरानाइड वार्षिक उत्सव मनाते हैं, विद्यार्थियों की तरफ से किया जाता है और आगे आप सबकी कृपा हमारे स्टूडेंट का साथ रहता है हमेशा इस कार्यक्रम में, सफलता हमारे स्टूडेंट टीचर एंड प्रिंसिपल सर का रहता है, पूरा मैनेजमेंट हमको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है और हर साल की तरह इस साल भी कुछ जोश जुनून के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आई होप बहुत अच्छा जाएगा इसी उम्मीद करते हैं। और जैसा कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आकाश सिसोड़िया जी, ये यहाँ पे आए और इनका सेकेंड टाइम यहाँ आना हुआ और ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य है कि हमेशा आते हैं और हमारे जो हम सभी स्टूडेंट को ये बहुत इंटरटेनमेंट करते हैं और इनके लिए बहुत कुछ सीख दे के जाते हैं जीवन में और इनसे हमेशा यही उम्मीद रहती है कि जाते जाते हमारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दें कि जिससे कि हमेशा इनको लोग याद करें, उनके उस मैसेज को लोग याद करें जो ये मैसेज हम लोगों को दे के जाते हैं। और लास्ट टाइम इन्होंने एक मैसेज बहुत अच्छा दिया था, मुझे आज भी याद है कि डैड के बारे में इन्होंने बताया था कि लाइफ में मॉम और डैड में, मॉम एंड डैड दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं डैड भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो हम भूल जाते हैं उनको कहीं ना कहीं, वो हमारे लिए मॉर्निंग में जाते हैं सब कुछ वो करते हैं, माँ तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट लेकिन कहीं ना कहीं डैड इम्पोर्टेंट है। उस समय आई नो शायद आकाश सर के डैड ऑफ हो गए थे, वही सिचुएशन में इनको बुलाया था। इसके प्रोग्राम में मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड अनूप सिंह ठाकुर एंड मैं उनको विश करूंगा कि उनकी आने वाली फिल्म कमांडो 2 और सिंघम 3 उनकी मूवी अभी होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी हैदराबाद में शूटिंग थी, हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो कॉलेज में आने के बाद हैदराबाद के लिए निकलेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरी हमारे आकाश सिसोदिया जी जो एक बॉलीवुड एक्टर, इनकी अभी हाल में ही सलमान शाहरुख के साथ आई फिर रहीस में आपने इनको देखा, सेकेंड अभी इनको अमिताभ के साथ थाईलैंड गए हुए थे भाई साहब ने देख शूट के लिए और थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड इनके ही बहुत अच्छे, इनके ही छोटे भाई हैं, भाई नहीं बोल सकते मैं तो बोलता हूँ, बहुत अच्छे फ्रेंड है और वो यहाँ पे नहीं आ पाए और लास्ट टाइम वो आए हुए थे, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे वो नहीं आ पाए। ऐसे हमारे निकुंद नासिसा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना, आप दोनों भाई के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। सर हमारी मैडम आई हुई हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनकी जो लाइफ अभी चालू है फिल्म सिटी में, जो जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। और सेकेंड हमारे फ्रेंड आ रहे कल्याण जी जाना, जिसे आज मुंबई बॉलीवुड फिल्म सिटी के लोग जानते हैं गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब जिसे एक ड्रीम लेके आता है, जो व्यक्ति मुंबई में अपना ड्रीम लेके आता है कि मुझे कुछ करना है फिल्म सिटी में, ऐसे व्यक्ति कल्याण जी जाना उन्हें हेल्प करते हैं और उन व्यक्तियों को लेके वो फिल्म बनाते हैं, उनकी कई फिल्म हिट भी गई हैं, मेरा फुटपाथ, ड्रीम सिटी मुंबई, ढूंढ लेंगे जिंदगी हम, ऐसे कई पिक्चर हमारे फ्रेंड कल्याण जी जाना ने किया है, उनका टाइम हो रहा है कुछ अभी कुछ क्षणों में वो भी आ जाएंगे और मैं भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। कल्याण जी आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारी आपकी मित्रता इसी तरह बनी रहे और कॉलेज को हमेशा आके अपना प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।